हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज सोनी से। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 4 बजे जो क्लास लेकर आई हूँ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तक आप लोगों ने अपना बुक ओपन करके भी नहीं देखा है कि आपको क्या पढ़ना है, या फिर कुछ भी अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो भी आज का जो क्वेश्चन का सेट मैं दे रही हूँ, अगर ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आप लोग को मोर देन 70% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। आज का जो क्वेश्चन का सेट मैं बनाई हूँ ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, बिहार का जो एग्ज़ाम 18 तारीख को आने वाला है LNMU का, उन लोगों के लिए CCSU का एग्ज़ाम है, CCSU का एग्ज़ाम जो है कंटेम्प्रेरी का, उसके लिए हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आज का ये क्वेश्चन का सेट है। चाहे आगरा का यूनिवर्सिटी हो, चाहे और कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो, बिहार के, झारखंड के, कहीं के भी यूनिवर्सिटीज़ हो, कंटेम्प्रेरी से जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ रिपीटेड होता है वो यही सारे क्वेश्चन हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो आप लोग को मोर देन 70% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये मेरा 100% का गेस किया हुआ क्वेश्चन है। मैं 100% श्योर भी हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आपको 70% ये सारे क्वेश्चन आपको 70% से ज़्यादा ला करके देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें भी आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फर्स्ट ईयर के क्लास के साथ साथ जो 4 बजे आप लोग अटेंड करते ही हो, इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर की जितने भी बिहार की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, बिहार बीएड एंट्रेंस, आगरा, अवध, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ का जो है पेड क्लास हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करवा सकते हैं। चलिए, 100% के साथ मैं ये गारंटी ले सकती हूँ कि आज का क्वेश्चन का सेट, जितना आपका क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है ये अगर आप करके जाते हो और लिख कर आते हो जिस तरह से आप तैयार करके जा रहे हो, तो आप लोग को 70% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। सिर्फ यही क्वेश्चन, इसमें टोटल आपको 12 क्वेश्चन है और एक जो है शॉर्ट नोट्स का है, जिस पे शॉर्ट नोट्स आता है वो क्वेश्चन है। तो इतना सारा ही कर लीजिए। अगर अभी तक आपने जो है कोई भी तैयारी नहीं की है तो आप लोग बस इतना ही करके चले जाइए, आप लोगों के लिए बिल्कुल बिल्कुल मार्क्स अच्छा ही आएगा। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ MDM इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके भी आ सकता है, वो किस तरह से ट्विस्ट करेगा वो मैं आपको बताऊँगी। कि यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षा के सार्वभौमीकरण में मध्यान्ह भोजन की भूमिका की व्याख्या कीजिए। सार्वभौमीकरण का मतलब समझ में आया, कल के क्लास में मैंने आप लोगों को जो है एक क्लास में बताया भी है। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन को आप लोग का आंसर नहीं मिल रहा है और आप डिटेल में चाहते हो तो जो 4 बजे क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, वहाँ जा करके आप देख सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने 4 बजे के क्लास में किया हुआ है, तो आप लोगों को वहीं से सारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षा के सार्वभौमीकरण में मध्यान्ह भोजन की क्या भूमिका है। सार्वभौमीकरण या यूनिवर्सलाइजेशन, हर एक बच्चे के पास एजुकेशन पहुँचाने के लिए बहुत सारे जो है योजनाएँ बनाई गई, बहुत सारे नियम बनाए गए, उसी में से एक जो है मिड डे मील था, जिसको हम मध्यान्ह भोजन बोलते हैं, जिसके तहत जो है बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आते हैं उनको पौष्टिक आहार दिया जाएगा। एक टाइम का आपको दोपहर में बच्चों को जो है भोजन दिया जाएगा। ये इसमें क्वेश्चन यही आ रहा है कि मध्यान्ह भोजन का रोल आपको बताना है। सबसे पहले तो आप शिक्षा के सार्वभौमीकरण के बारे में बताएंगे वो क्या है, इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई थी वो भी आप बताएंगे, जिसमें से स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति देने की भी बात थी, लड़कियों के को जो है स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है एंट्री करवाने के लिए भी बहुत सारे उनको छात्रवृत्ति, साथ ही साथ साइकिल, ये सारे जो है योजनाएं बनाई गई थी देने
के लिए, और बुक्स जितने भी बुक्स थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देने के लिए, तो ये सारे चीज़ें नियम बनाए गए। उसी में से एक नियम मध्याह्न भोजन था। अब मध्याह्न भोजन योजना के बारे में आप डिटेल से बताएंगे किसके तहत क्या होता है, ये कब बनाया गया मध्याह्न भोजन मिड डे मील, और इसके तहत क्या क्या चीज़ें। मिड डे मील पे एक क्लास ऑलरेडी मैं सेपरेट क्लास ली हूँ, तो मिड डे मील का क्लास का आंसर आपको यहाँ पे लिखना है पूरी तरीके से। मिड डे मील ने क्या क्या हुआ, कब बनाया गया, कब कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। सबसे पहले जो है ये जो आंगनवाड़ी का जो शिक्षा होता है उसमें अपनाया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी सरकारी स्कूल्स में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और वो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि विद इन वन मंथ ही इधर मैं मिड डे मील करवाऊंगी। एक महीने के पहले के क्लास में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन सजेशन ऑफ NPE 1986। ये तो आप समझते ही हैं, ये आप लोग NPE का जो है मैं नहीं भी तो 10 बार बता चुकी हूँ कि 1986 का नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जो है 100% करके ही आपको जाना है। 1986 में किस तरह से ये बनाने के लिए राजीव गांधी ने सोचा, उनको क्यों रियलाइज़ हुआ कि हमें जो है एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ज़रूरत है जिसमें पूरा राष्ट्र पूरे देश की शिक्षा जो है एक ही साथ काम करे। ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में अलग की शिक्षा चल रही है, बिहार में अलग चल रहा है, यूपी में अलग चल रहा है। तो एक शिक्षा नीति बनाने का जो ख्याल आया था राजीव गांधी के दिमाग में, वो इसलिए आया क्योंकि उनको लगा कि टेक्निकल एंड साइंस साइंटिफिक तौर पर हम काफ़ी पीछे जा रहे हैं। तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ज़्यादा फोकस भी किया। तो ये 1986 की शिक्षा नीति में क्या क्या सुझाव दिए गए थे वो सारी चीज़ें लिखना है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ, मैंने आप लोगों को इसके ऊपर ट्रिक भी बताया है कि अगर 1986 का शिक्षा नीति आता है और आप भूल जाते हो कि उसमें पॉइंट्स कौन कौन से थे, तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फिर लिखना है। तो इस तरह से ये है, डिस्कस द मेन सजेशन ऑफ NPE 100% रहेगा। थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य सुझाव लिखे, ठीक है। कहीं कहीं पे ये लिख देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है क्या क्या सुधार किए गए, स्त्रियों के लिए क्या सुधार किए गए, बच्चों के लिए क्या सुधार किए गए, किस तरह से जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा दी गई। किसी भी तरह से ये क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके आता है, आंसर आपको वहीं से स्टार्ट करना है और वही लिखना है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन ट्विस्टेड ही आता है एग्जाम में। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के पास ज़्यादा टॉपिक नहीं है, टॉपिक वही है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन करता है, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है और उससे आप लोग उसको छोड़कर आ जाते हो, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन का आप देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड इट्स नीड। क्वालिटी एजुकेशन के अर्थ हम उसकी आवश्यकता की विस्तार से व्याख्या कीजिए। देखिए दो तरह का एजुकेशन आएगा, एक तो आएगा कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, जिनमें ये चैप्टर दिया हुआ है, किसी किसी में ये चैप्टर नहीं है लेकिन जिनमें दिया हुआ है उसमें शिक्षा से क्वेश्चन रहता ही रहता है अगर शिक्षा दिया है तो। और इसमें क्वालिटी एजुकेशन के बारे में अगर पूछेगा तो वो थोड़ा सा उससे अलग हो जाता, थोड़ा सा डेफिनेशन, ज़्यादा अलग नहीं होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है और उसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, क्वालिटी की जगह पे सिर्फ एजुकेशन के अर्थ हम उसकी आवश्यकता के विस्तार से व्याख्या करें, या क्वालिटी एजुकेशन करके भी आ सकता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका है, एम्स ऑफ एजुकेशन इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एक्सप्लेन इट। शिक्षा के उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हैं। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे बाबा ये तो आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये तो हमने किया नहीं है। आपको डराने के लिए ऐसे ऐसे हैवी वर्ड यूज कर दिए जाते हैं क्वेश्चन में, नहीं तो अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बस यही है आपके शिक्षा के उद्देश्य। आपको लिखना है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्यों शिक्षा को जो है इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरह से शिक्षा जो है हर एक क्षेत्र में इसको एक हथियार की तौर पे देखा जाता है जो समाज में चेंज ला सकता है, राष्ट्र के विकास में चेंज ला सकता है, एक व्यक्ति के पर्सनालिटी को चेंज करने में ला सकता है। तो शिक्षा के उद्देश्य को लिखना है बस। संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हैं, ये अगर आप देखोगे तो बोलोगे कि अब तो मुझे सारे वही उद्देश्य लिखने हैं जो संवैधानिक मूल्य से जुड़े हैं, वो तो मैंने किया नहीं है। कुछ नहीं, हर एक उद्देश्य शिक्षा का संवैधानिक मूल्य से जुड़ा है। कैसे, मान लीजिए शिक्षा का जो भी उद्देश्य है, पहला तो यही होता है कि जो भी व्यक्ति को शिक्षा दी जाए उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो,
जब किसी पर्सनल व्यक्ति का, पर्टिकुलर व्यक्ति का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसके बाद जो है समाज का डेवलपमेंट होगा। जिस आदमी का डेवलपमेंट हुआ उसके परिवार का डेवलपमेंट होगा, फिर परिवार के बाद समाज का होगा, समाज से राष्ट्र का होगा, और राष्ट्र के हित के लिए ही संवैधानिक रूल और मूल्य जो है बनाए गए हैं, तो इनडायरेक्टली ये संवैधानिक मूल्य से जुड़ी जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य पे ध्यान देना है, बाकी नहीं। क्वेश्चन डराने के लिए हैवी वर्ड आएगा, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्कस इन डिटेल अबाउट RMSA। यहाँ पे जो है SSA करके भी आ सकता है। मैं यहाँ पे बता दूँ, दो तरह से ये क्वेश्चन आता है, दोनों का थोड़ा सा मीनिंग अलग है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी भी कि किस तरह से जो है ये अलग है, ठीक है। दो तरह से क्वेश्चन आएगा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट RMSA और SSA। RMSA की विस्तार से विवेचना करें या फिर SSA। देखिए SSA है सर्व शिक्षा अभियान, SSA क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, ये अभियान जो है हर किसी के, जैसे आपने देखा ना सार्वभौमिकरण, उसी में ये सर्व शिक्षा अभियान भी चला था, जिसमें हर एक बच्चे का जो है राइट बना दिया गया, जो हमारी, जो हमारा अधिकार मिला है, तो शिक्षा को जो है अधिकार में इंक्लूड कर दिया गया, शामिल कर दिया जाए, कर दिया गया अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, ताकि हर बच्चे का एक अधिकार हो प्राइमरी शिक्षा लेने की। प्राथमिक शिक्षा को कंपलसरी कर दिया गया कि बच्चों के लिए जो है शिक्षा, अब शिक्षा नहीं कि लेना है अच्छा ठीक है एजुकेशन दे देना, नहीं, शिक्षा उसका अधिकार हो गया। जैसे उसको अपने देश में रहने के लिए खाना, भोजन, पानी, ये सब उसका अधिकार है, उसी तरीके से उसका अधिकार शिक्षा भी है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है इसी बेस पे चलाया गया था कि हर एक बच्चे को जो है शिक्षा दी जाए, उसी के अंतर्गत जो है अनुच्छेद के अकॉर्डिंग इनको कंपलसरी अधिकार के अकॉर्डिंग ला दिया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है प्राइमरी यानी कि 1 से 8 तक के लिए बच्चों को लाया गया। देखिए 1 से 8 तक या 1 से 10 तक बोलिए, यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों का एडमिशन, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है क्लासेस में इंगेज करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आ सके। सर्व शिक्षा अभियान के पहले क्या हुआ था कि एडमिशन तो हो जाते थे, लेकिन बच्चे जो है स्कूल नहीं आते थे, बीच में ड्रॉप आउट कर जाते थे, बीच बीच में जो है स्कूल छोड़ देते थे। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये दो उद्देश्य को रखा गया, पहला तो एक एडमिशन हो ही, नामांकन हो सभी बच्चों का, और दूसरा रखा गया कि जिनका जिनका नामांकन हो रहा है वो कंटिन्यूस अपना जो है शिक्षा पूरा करे। ऐसा नहीं कि 2 साल क्लास लिए और उसके बाद से छोड़ दिए, ये छोड़ने वाला जो परसेंटेज था बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया तो उसके बाद से इस परसेंटेज में कमी आई और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है स्कूल भी आते थे और अपनी शिक्षा को पूरा भी करते थे, 10th तक जो है पूरा करते थे। अब जब सरकार को ऐसा लगा कि SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान सक्सेसफुल हुआ, तब उन्होंने जो है RMSA स्टार्ट किया, ठीक है। RMSA क्या है? RMSA है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी कि सभी बच्चों के लिए जो है माध्यमिक शिक्षा भी दी जाए, जो 11-12 का जो शिक्षा है वो भी दी जाए। तो SSA यानी कि 1 से 10 तक बच्चे ने शिक्षा अपना, एक्चुअली 1 से 8 तक बच्चे ने जो शिक्षा कंप्लीट की, और 9 से 12 तक का कंप्लीट करवाने के लिए RMSA को लागू किया, जिसमें कि सभी बच्चे के पास जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो है 12 तक एजुकेशन दिया जाए। तो ये RMSA में यही था, इसमें भी यही रखा गया कि माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक एजुकेशन में बच्चे एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे यहाँ पे SSA के आने के बाद 8 तक क्लास करते थे, उसके बाद छोड़ देते थे, वहाँ से उस तरह का जो है कोई अभियान नहीं चला या फिर नहीं उस तरह से जोर मिला, तो वहीं पे छोड़ देते थे। लेकिन उसी के बाद जस्ट RMSA आया, तो वो SSA का जहाँ काम खत्म होता था RMSA वहाँ से अपनी ड्यूटी जो है स्टार्ट कर देता था। तो सारे बच्चों को जो है माध्यमिक शिक्षा भी कंपलसरी करके देने की बात हुई RMSA के तहत। तो ये है RMSA और SSA। तो ये इसमें आपको डिटेल से देना है, वैसे मैंने जितना बताया अगर इतना ही लिख देंगे तो ये भी डिटेल ही है, है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द हर्डल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आ रही बाधाओं और उन्हें दूर करने के संबंधित सुझाव दे, ये आपको देना है।
आपको देना है कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसको जो है सभी तक पहुंचाने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी तो और इसको दूर कैसे करें। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा में ही प्रॉब्लम आ रही थी तभी जो है RMS से लाया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसीलिए चलाया गया क्योंकि माध्यमिक शिक्षा जो है सभी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो सॉल्यूशन में सुझाव देने में तो RMS का आप लिख सकते हैं कि एक योजना आई थी, उसके बाद से आप क्या सॉल्यूशन देंगे आपको खुद थोड़ा सा सोचना है। सबसे पहले तो माध्यमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण में इसलिए आती है क्योंकि प्राइमरी तक जो है 8 तक हम मुफ्त शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम ये नहीं समझ सकते हैं कि ठीक है जिस परिवार के पास 8 तक के पैसे दे 8 तक के एजुकेशन के पैसे देने नहीं है, फीस देने के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों के पास माध्यमिक में कहाँ से पैसा आ जाएगा, कहाँ से टपकेगा। तो उसके लिए रूल बनाना ज़रूरी है। जिस तरह से फ्री एजुकेशन इसमें किया गया है उसी तरह से फ्री एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा में भी की जाए, अवेयरनेस फैलाया जाए, जागरूकता लाई जाए कि माध्यमिक शिक्षा क्यों ज़रूरी है, उसके बाद जो है क्या क्या स्कोप खुल सकते हैं, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत है। बाधाएं आती यही है कि बच्चे जो हैं सोचते हैं कि हम स्कूल जाएंगे उससे अच्छा है कि हम कुछ काम कर ले। सेम फैमिली वाले भी यही सोचते हैं कि स्कूल में जाके करेगा इससे अच्छा जो है कुछ काम कर ले जिससे 2 पैसे आ जाए, 2 रुपए आ जाए। तो आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं होने की वजह से जो है ऐसा करते हैं, ये एक हुआ। दूसरा हुआ कि जागरूकता नहीं है शिक्षा को लेकर के, इसलिए। तो इस तरह से जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के आपको सुझाव देने। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन का आपको आंसर पॉइंट में देना है, पॉइंट आपको दिमाग से खुद से सोचना है। ये भी हमने किया हुआ है तो ये जाकर के आप क्लास देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी। ये हमने अभी जस्ट मैं बोलूँगी लास्ट वीक ही किया है शायद, वंचित समूह से आप क्या समझते हैं, या कल का क्लास छोड़ करके इसके पहले के क्लास में, मंडे के क्लास या सैटरडे के क्लास में आप देखेंगे वंचित समूह का भी क्वेश्चन रिसेंटली हुआ है, तो इसको आपको वहाँ से प्लेलिस्ट में ईजिली मिल जाएगा। वंचित समूह क्या है और इनके पिछड़ेपन का कारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उसमें मैंने सब करवा दिया है। तो अगर क्वेश्चन वंचित समूह से आएगा कि क्या है तो पहले लिखना ही पड़ेगा, साथ में कारण भी उसमें आपको करवाया गया है, सॉल्यूशन भी करवाया गया है, क्या क्या नियम सरकार ने बनाए, सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, वो सारी चीज़ें जो है इस क्लास में है। मंडे के 4 बजे की क्लास में आप देख लीजिएगा या सैटरडे क्लास में 100% आपको मिल जाएगा। ये रिसेंटली मैंने ये क्वेश्चन करवाया है तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन बिहार एंड गिव सजेशन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको बता दूं, आप जिस भी स्टेट में कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं वहाँ का नाम डाल देता है। यहाँ पे देखिए है वही क्वेश्चन, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में, एजुकेशन के जो है यूनिवर्सलाइजेशन में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उसके लिए आपको सुझाव देना है। बस आप अगर बिहार से BEd कर रहे हो तो बिहार ऐड कर देगा, अगर आप UP से कर रहे हो तो UP ऐड कर देगा। तो UP में जो जो प्रॉब्लम है वो आपको लिखना है। प्रॉब्लम तो सब जगह पर लगभग सेम ही है लेकिन वही लिखना है और सुझाव भी लिखना है, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, वुड डिस्पैच इज नोन एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन। देखिए ये क्वेश्चन भी रिसेंटली मैं करवाई हूँ। वुड के घोषणा पत्र को भारत में शिक्षा के महा अधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है, व्याख्या करें। ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है, यहाँ पे तो पूछ दिया कि महा अधिकार पत्र है या फिर डायरेक्ट बोल देगा वुड के घोषणा पत्र में क्या सुझाव दिए गए हैं वो लिखिए, या वुड का घोषणा पत्र क्या है, इस तरह से आता है ये क्वेश्चन। लिखना आंसर वही है, ये क्वेश्चन में विद इन 1 मंथ इधर जितने भी क्लास 4 बजे के हुए हैं उसमें करवाया गया है, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। 10th नंबर है डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता महत्व का वर्णन करें। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन से ये क्वेश्चन है तो ये भी आपको करवाया गया 4 बजे क्लास में। इसमें जो पूछ रहा है कि हमारे देश में जो शैक्षिक अवसरों की समानता क्यों जरूरी है, तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा देश जो है बहुत चीज़ों के नाम पे बटा हुआ है, कहीं पे धर्म के नाम पे, कहीं पे भाषा के नाम पे, कहीं पे अमीर गरीब के नाम पे बटा हुआ है, तो उसकी वजह से जो है शिक्षा नहीं मिल पाती है समान रूप से, तो इसलिए इसकी ज़रूरत है ताकि जो लोग पीछे होते जा रहे हैं वो भी आगे आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये भी करवाया गया है 4 बजे क्लास में।
मेकाले का विवरण पत्र जो मैं हमेशा आप लोगों को चिल्लाते भी रहती हूँ कि मेकाले का विवरण पत्र जरूर करके जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ परिभाषा उद्देश्य, वो हमने ऊपर देखा भी, ये आएगा इसमें। आप लोग ना शिक्षा क्या है, इसमें आप वैदिक कालीन शिक्षा, बुद्धिस्ट एजुकेशन और मुस्लिम कालीन, ये तीन भी करके जाइएगा। वैदिक कालीन, बुद्धिस्ट और मुस्लिम कालीन, मुस्लिम कालीन को जो है इस्लामिक बोलते हैं, मध्यकालीन बोलते हैं, इन तीनों में से एक क्वेश्चन रहेगा, तो उन तीनों को भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि नोट्स लिखने को किस किस पे आता है। तो पहला तो है कॉमन स्कूलिंग सिस्टम क्या है ये, दूसरा है ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन, वैश्वीकरण एवं शिक्षा क्या है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र, ये भी क्लास करवाया गया, मिड डे मील करवाया गया है, शिक्षा और उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, सामाजिकरण के मूल तत्व, ये सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। ऊपर का दो क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन करवाया गया, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम भी करवाए गए, सारे क्वेश्चन करवाए गए। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम शायद 2 महीने पहले है या 1.5 महीने पहले के क्लास में है, इसको देख लीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन भी 2 महीने के पहले के क्लास में मिलेगा आपको, लेकिन 4 बजे का क्लास जो हम लोग करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो प्लेलिस्ट से आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इतना अगर आप करके जाते हो तो आप लोग 100% 70% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है, ऐसा नहीं ये सिर्फ क्वेश्चन देख के जाना, आंसर भी देख कर जाइए, ठीक है। तो फिर मिलूंगी कल इसी तरह से, बाकी सारे पेपर का भी मैं क्वेश्चन लेकर के आ जाऊंगी, जो कि 100% आएगा ही आएगा क्वेश्चन, आंसर के साथ हमने क्वेश्चन देख लिया है। अब एक जगह पे मैं क्वेश्चन का सेट दे दूंगी, तो इसका आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अपने वॉल पे, अपने दीवार पे पेस्ट कर दीजिएगा, चिपका दीजिएगा, जिससे कि आपको पता चले कंटेम्प्रेरी में मुझे एक एक करके कंप्लीट करते जाना है, और जो जो आप कंप्लीट करते जाए उसको टिक करते जाइएगा। 13 क्वेश्चन कंप्लीट करना मुझे नहीं लगता है कि डिफ़िकल्ट है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये 13 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं। चलिए फिर मिलूंगी कल, टिल देन हैव अ नाइस डे।